गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम सभी वास्तविक संख्या के तीसरे टॉपिक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन परमेका के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, और उसे अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कि जिससे कि जब वीडियो डाउनलोड हो, अपलोड किया जाए, ऐसे ही आपके पास तुरंत पहुंच जाए। चलिए आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन के बारे में हम लोगों ने पिछले टॉपिक में ही पढ़ा था कि यूक्लिड एक गणितज्ञ का नाम है। विभाजन भाग भाग है, विभाजन मतलब डिवाइड। यहां पर एल्गोरिथम क्या है? तो एल्गोरिथम किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है। इतना चीज याद रखना हमें, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है। मतलब इसमें एक कोई एक परिभाषित कथन होता है, उस कथन को हम चरण के बाद, चरण मतलब होता है स्टेप, पहला स्टेप, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, इस तरह से हम चरणों के द्वारा हम उसको हल करते हैं, उस समस्या को हल करते हैं, तो उसको हम लोग एल्गोरिथम का नाम देते हैं। हम लोगों ने इससे पहले वाले टॉपिक में जो पढ़ा था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और वह प्रमेय का जो था वह प्रमेय का था ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान था जीरो से बड़ा नहीं तो बराबर, और बी से हमेशा क्या होता, छोटा होता। ठीक है, तो ये हम लोगों ने प्रमेय का पढ़ा था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो कि ये था। जब हम इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को किसी चरण के अनुसार, किसी चरण मतलब किसी एक चरण दो चरण के द्वारा हम अलग 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 सॉल्व करते हैं, तो वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का रूप कहलाता है। इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम दो संख्याओं के बीच, दो संख्याओं का मसल एच सी एफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समाप्त वर्तक ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसे हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। चार सौ पचपन और बयालीस का एच सी एफ क्या करें? चलिए हम देखते हैं, हमारे पास दो संख्या है, दो पूर्णांक है 455 और 42। पूर्णांक के बारे में हम लोगों ने एल्गोरिथम में भी पढ़ा था, प्रमेय का में भी पढ़ा था। हम यहां पर दोनों में से एक पूर्णांक को a मान लेते हैं, बड़े वाले को a मान लेते हैं, और छोटे वाले को हम लोग क्या मान लेते हैं, b। अब हमारा शुरू होता है यहां से चरण नंबर वन। हम चरण नंबर वन में जानते हैं कि पहले एल्गोरिथम प्रमेय का क्या होता है, तो विभाजन यूक्लिड चरण फर्स्ट यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ए का मान है 455 और बी का मान है 42। क्यू और आर का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम सिंपल सा है, जैसे हम लोगों ने कल ज्ञात किया था आज भी ऐसे ज्ञात हो जाएगा। 455 को हमने बीच में रखा, 42 डिवाइड किया, 42 से कम 42, 3 ऊपर से उतरा 5,
42 से 35 में भाग देंगे, भाग तो लगेगा नहीं क्योंकि 35 छोटा है, जिसके कारण यहाँ पे जीरो आ जाएगा, भाग ना लगने के जीरो हो गया और ये हमारा क्या बच गया, शेषफल बच गया। तो हमारे पास यहाँ देखते हैं ए का मान है 455, बी का मान है 42 और क्यू का मान हमारा हो गया 10 और यहाँ पे शेषफल कितना बचा 35। यहाँ पे शेषफल कितना बचा 35। यहाँ देखते हैं शेषफल जो है, चूंकि R is not equal to 0, क्योंकि R का मान तो पहले हम जानते हैं B से तो हमेशा छोटा ही होगा और यहाँ पे R का मान 0 से क्या है बड़ा है। अगर जब तक R का मान 0 के बराबर नहीं होगा तब तक हम चरण को बढ़ाते चलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने एल्गोरिथम में ही पढ़ा था, एल्गोरिथम मतलब चरणों की एक श्रृंखला होनी चाहिए। तो यहाँ पे चरण एक है, अब हम चरण नंबर क्या लेंगे, दो लेंगे। अभी हमने जिस विधि का प्रयोग किया था ये विधि अभी प्रेजेंट टाइम के बोर्ड एग्जाम के लिए उतना सुटेबल नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम के बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 2 मार्क्स के लिए यदि हम इसका प्रयोग करेंगे तो एक क्वेश्चन बनाने में हमारे लगभग 10 मिनट खर्च हो सकते हैं, इसलिए हम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बहुत छोटी सी विधि का प्रयोग करते हैं, जो कि वो 5वीं क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वह विधि का। इस विधि में हम लोग बड़ी वाली संख्या को बीच में रख देंगे और छोटी वाली संख्या से उसको भाग देंगे, 3 ऊपर 17 5। जब इसका मान इससे छोटा हो जाए तब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को, जब ये 0 हो गया भागना लगने का, इस वाले पार्ट को यहां पे घेर देंगे और सेकंड पार्ट को यहां पर, जो ये पार्ट है उसको यहां पर उतार, फिर 35 में 42 से भाग देंगे, 35 एकम 35 7, फिर इसको घेर देंगे, 35 7 25 35 और यहां पे हमारा कट गया। जब यहां पे शेषफल 0 आ जाए तो जिस भाग का, जिस विभाजन प्रक्रिया का शेषफल 0 आया है, उस विभाजन प्रक्रिया से जो भाजक है, जो यहां भाजक है, उस भाजक को हम लोग HCF 455, 42, उस विभाजन प्रक्रिया का जो भाजक है उसको उसका क्या ले लेते हैं, आंसर ले लेते हैं। ये बहुत आसान है, अगर आप लोग को जल्दी करना है, जैसे कि वहां पे आ गया 2 मार्क में करना है, तो आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को समय की बहुत ज्यादा बचत होगी, परंतु नया नया है तो हम उसको सीखने के लिए, सीखने के व्यू से हम उसको एक बार कर लेंगे और बाकी फिर बाकी आगे का सवाल हम लोग इस तरह बनाएंगे। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि हमने यहाँ पे भाग दिया है, 3 यहाँ पे विभाजन प्रक्रिया हुई, पहला विभाजन प्रक्रिया 42 और 455 के बीच हुई है, दूसरा विभाजन प्रक्रिया 35 और 42 के बीच हुई है और तीसरा विभाजन प्रक्रिया 7 और 35 के बीच हुई है। हम अगर अपने आंसर को लिखना चाहें तो एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो आंसर किस तरीके से लिख सकते हैं, एच सी एफ 455 और 42 के बीच हुआ है बराबर एच सी एफ 42 और 35 और बराबर एच सी एफ 35 और 7 बराबर टोटल का कितना है 7। मतलब अगर हम लोग को आंसर को और व्यापक तौर पे लिखना है तो उस व्यापक तौर पे लिखने के लिए हम तीनों भाग में जो भाजक है और जो भाज्य है उन दोनों को लिख करके हम उसका आंसर लिख सकते हैं, ये एक व्यापक रूप हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम किसी भी दो संख्याओं के बीच का क्या ज्ञात कर सकते हैं, मौसा या एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं आप लोग के लिए कुछ सवाल दे देता हूं जिसके आधार पर आप घर पे इस पे अभ्यास कर सके।
आप इन सवालों को सॉल्व करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उसका फोटो सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू।